एक्सरसाइज नंबर फोर पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस लाइन हमें गिवन होगी हमने उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है पहले देख लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला होता क्या है जब हमें दो लाइंस गिवन हो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम लिखते हैं एक्स डिवाइड में डिटर्मिनेंट का मॉड बनाते हैं डिटर्मिनेट इक्वल्स टू माइनस फाइव डिवाइड में डिटरमिनेट इक्वल्स टू कॉन्सटेंट लिखते हैं कॉन्सटेंट वन डिवाइडेड बाय फिर डिटरमिनेट अब जो डिटर्मिनेंट है उसके नीचे क्या लिखना होता है एक्स के डिटर्मिनेंट एक्स के डिवाइड में जो डिटर्मिनेंट है उसमें एक्स का कॉफिशेंट छोड़ के वाई की वैल्यू और कॉन्सटेंट वैल्यू को लिखते हैं इक्वल्स टू अब माइनस वाई के डिटर्मिनेंट के डिवाइड में वाई के कॉफिशियंट्स छोड़ के एक्स और कॉन्सटेंट के कॉफिशंट छोड़ेंगे जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है ना उसके डिवाइड में उसको छोड़ के बाकी दूसरों के कॉफिशंट्स uh, को डिटर्मिनंट की फॉर्म में लिखते हैं इक्वल्स टू वन के नीचे आप कॉन्सटेंट uh, को छोड़ के एक्स और वाई के कॉफिशेंट डिटर्मिनंट के अंदर लिख देंगे फिर वो डिटर्मिनंट को जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं डायगनल्स मल्टीप्लाई करके सेंटर में माइनस का साइन लगाते हैं उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो पार्ट वन है एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो टू एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो सोल्यूशन है इसका लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे पहले एक्स डिवाइड में डिटर्मिनेट इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइड में डिटर्मिनेट इक्वल्स टू वन डिवाइड में डिटर्मिनेट अब इन डिटर्मिनेट के अंदर लिखना क्या है एक्स के नीचे डिटर्मिनेंट के अंदर हम एक्स को छोड़ के बाकी जो कॉफिशेंट है उनको लिखेंगे माइनस टू नीचे माइनस वन वन टू इक्वल्स टू अब माइनस वाई के नीचे क्या लिखेंगे वाई के कॉफिशियंट छोड़ के एक्स और कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट लिखेंगे वन टू वन टू इक्वल्स टू वन डिवाइड में अब कॉन्स्टेंट को छोड़ देना बाकी लिखेंगे वन टू माइनस टू माइनस वन अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डिवाइड में डिवाइड uh, में आएगा माइनस टू टू माइनस वन ब्रैकेट में माइनस वन इक्वल्स टू माइनस डिवाइड में वन ब्रैकेट में टू इक्वल्स टू माइनस वन ब्रैकेट में टू इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई वन ब्रैकेट में माइनस वन माइनस टू फिर ब्रैकेट में माइनस टू एक्स डिवाइड में माइनस फोर माइनस माइनस प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइड में टू में से टू टू माइनस टू इक्वल्स टू वन डिवाइड में माइनस वन प्लस फोर एक्स डिवाइड बाई माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस बाई टू में से टू निकालें तो क्या आएगा जीरो इक्वल्स टू वन बाय थ्री विच एक्स माइनस थ्री एक दफ़ा हो जाएगा इक्वल वन बाय थ्री के और माइनस वाई बाय जीरो भी इक्वल आ जाएगा वन बाय थ्री के अब हमारे पास यहाँ से आएगा थ्री एक्स इक्वल टू माइनस थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से और जो वाई वाली है वो क्या आएगा माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा जीरो इसी तरह एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस थ्री बाई थ्री के और वाई इक्वल आ जाएगा जीरो बाई माइनस थ्री के वाई की वैल्यू क्या आ गई वाई इक्वल आया जीरो के और एक्स इक्वल आया माइनस वन के सो so पॉइंट क्या बना पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में माइनस वन कामा ज़ीरो अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त 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 तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल